तो बोल रहे हैं भूख बची है पूरी बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं जाते आनी आनी आते ट्रेनिंग दिया घर पर जाते आनी आज खर्चा हमारा टाटा मेला खर्चा तुम आम ट्रेनिंग दिन क्या काम कर शिकाम ये भाषा कटा एक काम शिकी जा जिंदगी पैसा तो कम हो पड़े जो भाषा जिन लाइन इंटरेस्ट है एक बच्चे का शिक्षा जाए আমি এতে সাবুন বানাও শ্যাম্পু বানাও ফিনাইল ক্লোর ক্লিনিং নেল আর্ট মেহেন্দি আর্ট এটা সব শিখাই গড়ে পরীক্ষাটা বহু ইন্টারেস্ট করে শিখি আর কি এখানে সিটের উপর আছে 25 সিটের উপর আছে ছ কমন ভাষা আছে কেদিনের আর 5 দিনের প্রোগ্রাম আছে আমাদের আর কি বছর করা করেছে 22 দিনের করা করে দিয়েছে ও এই তো দিয়ে দিয়ে আছে 22 ইয়ার পর যখন বাচ্চাগুলো যে শিখি যাব না তবে মানে পয়সা নিজে কমাবো পারি তবে ভিকা ঘুরিব না লাগে এটা মহাবীর ইন্টারকন্টিনেন্টাল সার্ভিস আগে দ্বারা 18 সেপ্টেম্বর 2 অক্টোবর তো মধ্যের মধ্যে দুই কার্যক্রম স্কিল ডেভেলপমেন্ট কার্যক্রম যা পর আয়োজিত কিয়া গেছে গুয়াহাটি চ্যাপ্টার মে স্কিল পুরী ব্যবস্থা করি और लगभग 600 बच्चे मूक मजीद हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं और आने के बाद में 20 तरह की आइटम्स को उन्होंने बनाना सीखा है बनाना सीखा ही नहीं है यहाँ पर जो है लोग देखने के लिए जो आए हैं उन्होंने देखने के बाद में उन्होंने इतना पसंद किया है कि काफ़ी लोग परचेस करके गए हैं और परचेस करके गए भी साथ में उन्होंने ऑर्डर भी कर दिया एक ने तो 300 साबुन का ऑर्डर कर दिया 300 साबुन आपको चाहिए और वो एडवांस भी देखे कि हमको कल तक दे देंगे हमारा जो कंसेप्ट है कि बच्चे जो हैं इस तरह के जो दिव्यांग बच्चे हैं वो 16 साल तक तो ऑर्गेनाइजेशन संभाल लेती है उसके बाद में सरकार भी छोड़ देती है और उनके पास में कुछ काम धाम नहीं रहता तो भीख मांगने वाले हो जाते हैं ये भीख मांगने की बजाय हम उनको स्वाभिमान की ज़िंदगी देना चाहते हैं और उस स्वाभिमान की ज़िंदगी का फायदा ये हो रहा है कि जो बच्चों ने इतना जल्दी सीखा है और वो बच्चों ने सीखने के बाद में आइटम बनाना शुरू कर दिया 3 दिन तक ट्रेनर ने उनको सिखाया अभी आज और कल 2 दिन जो है ट्रेनर नहीं अब बच्चे सिखाए बच्चों को वाला कंसेप्ट आया जो बच्चे सीख लिए हैं वही बच्चे अब जो है उसको सिखा रहे हैं तो अभी क्या हो गया हम कैसे सिखा रहे हैं तो जो ट्रांसलेट करने वाले उनकी साइन लैंग्वेज में बोलने वाले वो उनको बताते हैं फिर वो उनके पास समझ आता है अब बच्चा जो तो साइन लैंग्वेज में कुछ बना रहा है कुछ साथ में बता रहा है तो वो जल्दी क्लास कर रहा है इतना बढ़िया वो चल रहा है आपको देख ही रहे हैं सारी चीज़ें कि वो अपने आप काम कर रहे हैं तो पूरे देश के जो 600 बच्चे आए हैं 24 स्टेट के बच्चे आए हैं और 24 स्टेट के बच्चों के साथ में उनके टीचर्स आए हैं स्कूल के जो उनके कुछ पेरेंट्स के साथ में आए हैं छोड़ना नहीं चाहते थे और वो उसको इस तरह से मिले इसका एक नया पैसा किसी से भी चार्ज नहीं है और हम लोगों की जवाबदारी बच्चे को घर से लेकर आना और वापस घर तक पहुंचाना रास्ते का खाना पीना सारी व्यवस्थाएं हम लोग करते हैं अलग अलग स्टेट से 60-60 घंटे लगे हैं लोगों को यहाँ पूना से जो निकला है कोल्हापुर से जो निकला है वो वहाँ से 62 आवर्स का जर्नी उसने किया है लेकिन आने के बाद में आप जब उसको साइन लैंग्वेज में उनसे पूछा तुम्हें कैसा लगा दे एंजॉयड लाइक एनीथिंग वो बोले कि हमको इतना पिकनिक बना लिए नहीं तो 60 आवर्स का जर्नी करने के बाद में जो कि रास्ते पर उनको बढ़िया नाश्ते के टाइम नाश्ता मिल रहा है खाना मिल रहा है चाय मिल रहा है और हर चीज़ का फैसिलिटी मिल रहा है तो उनको अच्छा लगा और हम आपको एक चीज़ बता सकते हैं आज ये जो कार्यक्रम हुआ है इसके लिए महावीर इंटरकॉन्टिनेंटल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आचार्य तुलसी रिसर्च फाउंडेशन जो है वो और आराम प्रेम मुंबई हम तीनों के सही तत्व हमने ये कार्यक्रम शुरू किया और तीनों ने मिलकर जो काम किया हुआ है लोकल जो गुवाहाटी की जो जनता ने जो काम किया गुवाहाटी के हमारे पदाधिकारियों ने जो काम किया है उसको हम नहीं भुला सकते क्योंकि इन्होंने हर चीज़ में क्वालिटी की चिंता की खाने से लेकर के नाश्ते से लेकर चाय से 24 आवर चाय और बिस्किट अवेलेबल 24 आवर चाय बिस्किट कॉफ़ी जिसको जो पीना है उसके अलावा रात को दूध देते हैं सुबह बढ़िया नाश्ता है अर्ली मॉर्निंग बेटरी हो जाती है 7:30 को नाश्ता होता था 12:30 बजे से लंच हो जाता है लंच में बराबर उनको मिठाई नकली हर चीज़ उपलब्ध है शाम का चाय और नाश्ता मिल जाता है
रात्रि को फिर भोजन मिलता है। तो इस तरह से ये जो व्यवस्थाएँ की है, निश्चित तौर पर हमारा जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और कार्यक्रम के संयोजक विजय सिंह जी जो हमारे जोशी जी हैं, जोशी जी के साथ में आएंगे, क्योंकि और इन्होंने ये भवन पूरे समाज ने जो भवन दिया है, भवन का हमको 25 लाख रुपए का पहले दिन जब हमको दिया तो हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम ये कार्यक्रम यहाँ कर पाए, लेकिन आज इन्होंने भवन जब हमको अलॉटमेंट किया फ्री ऑफ कास्ट। ये इतना बड़ा अचीवमेंट है और इन बच्चों को 91 रूम्स में है, 5.5 हज़ार स्क्वेयर फीट के दो हॉल हैं, 2000 स्क्वेयर फीट का एक हॉल है, 600 स्क्वेयर फीट का एक छोटा हॉल है, तो हमारे सारे एक्टिविटीज वगैरह सब वहाँ पर इस वाले ऊपर वाले हॉल के अंदर पूरी हम देख रहे हैं क्लासेज। बच्चे जो सीख लिए हैं, आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि 8 साल की बच्ची कुछ कमा सकती है क्या? नहीं कमा सकती, लेकिन वो 8 साल की बच्ची नेक्स्ट ईयर 50,000 रुपया महीना कमाएगी, और कमाएगी आज नेक्स्ट ईयर की बात नहीं। अभी यहाँ पे कई लेडीज लोग आए, उनको पता नहीं था, वो जब देखे बोले मेरे नेल को बना दो, बनाया तुरंत 1,000 रुपये देके गई, वो बोले बाजार में जाएंगे तो 3,000 रुपये मिलेगा, उस छोटी सी बच्ची को 5-7 हज़ार रुपये कमाएंगे। और ये जितना प्रॉफिट हो रहा है इसका, वो सारा प्रॉफिट जो है इन बच्चों को हम लोग एक नया पैसा अपने पास नहीं रखते हैं, वो पूरा प्रॉफिट जो है उन बच्चों को ही दिया जाएगा। वो पैसा इसलिए दे रहे हैं कि उनको जब पैसा मिल जाएगा तो उनको लगेगा कि काम करने से पैसा मिलता है, नहीं तो खाली भीख मांगने वाला लोग तो नहीं लाना चाहते हैं, ये स्वाभिमान की जिंदगी जी करके समाज के साथ में मिलजुल करके काम करते हैं। जो हमारे सेक्रेटरी हैं नरेंद्र जी, हमारे श्रीपाल जी हैं, इतना सब होने के बाद में पूरा समय इन्होंने अपने हिसाब से दिया है। विजय जी दोषी जो कार्यक्रम के संयोजक की इनका जवाबदारी भी है, लेकिन पूरा समय मॉर्निंग टू इवनिंग कुछ भी चीज़ चाहिए अब चिंता मत करना, मैं लगाता हूँ फिर रेस्क्यू ऑफ मनी की कुछ खर्चा हो जाएगा, कितना होगा नो मैटर, और बच्चों के लिए सबने मिलकर जो काम किया है, आई एम रियली वेरी मच थैंकफुल टू ऑल दिस पीपल जिन्होंने इतना मस्ती से काम करते हैं, दिल से काम किया। यही नहीं, मेरे को एक प्रपोजल आ गया बीकानेर के लिए कि नेक्स्ट के लिए कार्यक्रम बीकानेर राजस्थान में आते हैं, क्योंकि एवरी ईयर एक टिकट पर